नमस्कार दोस्तों, मैं लक्ष्मीकांत शर्मा स्वागत करता हूं आप सभी का K2S न्यूज चैनल में। आइए देखते हैं आज की ताजा खबरें। करौली धौलपुर लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी संजय जाटव के समर्थन में राजस्थान सरकार के खेल मंत्री और युवा कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अशोक चांदना ने युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं की सभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने जमकर भाजपा पर निशाना साधा और कांग्रेस प्रत्याशी को जिताने की अपील की। आइए देखते हैं संवाददाता की एक रिपोर्ट। आरोप को कांग्रेस ने लगा के उस आरोप से बचना चाहती है, जिससे कि राजनीतिक फायदा उन्हें मिल सके। जबकि ऐसी कोई बात नहीं कि कांग्रेस पार्टी अगर केंद्र में सरकार बनती है तो जमीन आपके वाली नहीं है, तो उस योजना को जल्दी पूरा। ये हमारी पहली प्राथमिकता जो सरमुथरा रेल परियोजना है उसको पूरा करने की रहेगी। साथ ही हमारी प्राथमिकता करौली और धौलपुर जिले के किसानों को, युवाओं को, व्यापारियों को संबल देने की रहेगी। अन्य जितनी भी कांग्रेस पार्टी की योजना है, चाहे वो किसान के ऋण माफ की हो, चाहे युवाओं को नौकरी देने की बात हो, चाहे GST के सरलीकरण की बात हो, तमाम चीज़ों को लेकर हम काम करेंगे। भरतपुर जिले के भुसावर में कांग्रेस के लोकसभा प्रत्याशी अभिजीत कुमार और गृह रक्षा राज्य मंत्री भजनलाल जाटव ने कस्बे के कांग्रेस कार्यकर्ताओं को साथ लेकर क्षेत्र के मुख्य बाजारों में रोड शो किया और कांग्रेस को जिताने की अपील की, आशीर्वाद लिया। और रोड शो के दौरान आधे घंटे तक स्टेट मेगा हाईवे 45 पर जाम लग गया, जिससे राहगीरों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। आइए देखते हैं संवाददाता की रिपोर्ट।